आज मैं रुई मतलब रोहू, जिसको हम लोग बंगाल में रुई माछ कहते हैं, उसका मैं सिंपल सा करी बनाना दिखाऊंगी। इसमें पहले हम लोग मछली को अच्छा से धो के सारे पानी ड्रेन करके इसमें हम लोग मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा नमक। ये अच्छा से मिला लेना है। अभी जब तेल धुआं छोड़ना शुरू कर दे तो इसमें हमें ये सारे फिश जो है तलने हैं। दोनों तरफ घुमा कर अच्छे से तलना होगा ताकि एक क्रिस्पी फिश फ्राई हो जाए। फिश फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था, अगर आपको लगे कि उसमें थोड़ा और तेल ऐड करना है तो आप उसमें तेल ऐड कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले जो हम लोग डालेंगे वो है जिंजर, अनियन एंड गार्लिक का पेस्ट है, वो हम इसमें डालेंगे। डाल के इसको हल्का सा स्टर करना है। कोई भी मसाले को जलाना नहीं है, ओवर फ्राई नहीं करना है, इससे मसाला का जो नेचुरल अरोमा है और उसके जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं, तो टेस्ट भी खराब होते हैं और गुण तो नष्ट होते हैं। इसके बाद जो हम लोग है इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, फिर इसमें डालेंगे हम ये है कश्मीरी रेड चिली, दिस इज फॉर कलर, इसमें लेकिन तीखापन कुछ नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए ये डालेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद इसमें डालेंगे हम शुगर, फिर इसमें हम डालेंगे, हमने टोमेटो को क्रश करके रखा है, टोमेटो को काटना नहीं है, क्रश करके डालना है, इससे स्वाद एकदम अलग सी आती है। फिर इन सबको 3-4 मिनट हल्की आंच में मिक्स करना है ताकि टमाटर भी अच्छे तरह से इसमें मिल जाए। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। अब इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी दे देंगे। इसको थोड़ा सा होने देंगे ताकि ये सारे जो टमाटर्स जो है वो पिघल जाए अच्छी तरीके से, जो ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए। हमने इसमें जो एक नया पर लाया है वो है, हम इसमें रेड चिलीज, तीखापन के रेड चिलीज नहीं यूज करेंगे बल्कि ग्रीन चिलीज, ये कुछ स्वीट के भी ग्रीन चिलीज है जो हम इसमें डाल देंगे, इसका स्वाद ही अलग सा होता है ग्रीन चिलीज का। अब हम इसको ढक के करीब 5 मिनट सिमर होने देंगे। करीब 5 मिनट बाद ये देखिए टमाटर भी बहुत अच्छा से इसमें घुल गया है और कलर भी बहुत सुंदर प्यारा सा आया है। अब इसमें आपको जो करना है वो है, इसमें आपको वाटर मिलाना है। आपको जैसे जिस हिसाब का आपको इसका करी चाहिए कंसिस्टेंसी, उस हिसाब से आपको वाटर मिलाना है। अब जब ये बॉईल होना शुरू हो गया तो इसमें हमें एक एक करके फिश छोड़नी है, इस तरह से छोड़नी है ताकि दोनों तरफ हो भी जाए और ये टूटे ना। अच्छी तरह से प्लेस करना है करी के अंदर। अब इसे ढकना है और आंच को थोड़ा नीचे करना है मध्यम, और इसे 10 मिनट होने देना है। अब 10 मिनट्स हो गए हैं, देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया, फिश पक भी गया। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला देंगे, ये है दालचीनी पाउडर, ये सारे मिक्सी में किए हुए हैं, ये है इलायची एंड लौंग। अब इसको बंद करना है और इसको 5 मिनट्स ऐसे ही रखना है। देखिए अभी भी सिमर हो रहा है, बस 5 मिनट्स इसको ऐसे ही रखना है। जस्ट लुक एट द कलर, इट्स यमीशियस, इट्स हेल्दी, इट्स एरोमेटिक। हर स्पाइस को जो है हमने घर में ग्राउंड किया है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं। सो अब रेडी है आपका सिंपल रोहू फिश करी। अब इसे हम सर्विंग बोल में सर्व करेंगे।